बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप सबको पता ही है कि भाई रजब बट ने एक न्यू कार ली है जिसका नाम रखा है 9/11। तो भाई रजब बट ने 9/11 ली है, उनको वो कितने की पड़ी है उस पे हवाले से बात करेंगे। 9/11 जो नाम रखा है वो क्यों रखा है और भाई आप किस तरीके से ले सकते हो, यहाँ इस तरक्की तक पहुँच सकते हो। भाई रजब बट को सब जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। रजब बट अगर मैं एक नाम में डिफाइन करना चाहूं, पहले तो भाई वो किसी इंट्रोडक्शन की उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं एक नाम में डिफाइन करना चाहूं, तो भाई रजब बट एक वो फेमस यूट्यूबर है जिसने कम अरसे में ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा तरक्की हासिल की है। रजब बट एक वो फेमस यूट्यूबर है जिसने कम अरसे में ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा तरक्की हासिल की है, क्योंकि भाई जो बंदा मेहनत करता है वो उसको सिला ज़रूर मिलता है अगर वो सही वे पे चल रहा है तो। भाई दूसरी बात, रजब बट ने जो यहाँ तक सक्सेस हासिल की है इतने कम अरसे में, उसकी क्या स्ट्रगल्स थी, क्या लाइफ थी, वो उसने कितनी मेहनत की है, तो उन चीज़ों के हवाले से एक और वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद। लेकिन आज जो है, आज की जो वीडियो है वो रजब बट की 9/11 के नाम पर। 9/11 क्या है वो भी बताता हूँ आपको आगे चल के। रजब बट ने अपनी फैमिली, अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए अपनी न्यू कार वो हर दफ़ा एक सरप्राइज के तौर पर रखते हैं और रिवील करते हैं एक ब्लॉग में। तो भाई लोगों ने टिकटॉक पे ये जो है उसकी कार, उसकी गाड़ी पहले ही रिवील कर दी। यार ये तो आई थिंक बहुत गलत चीज़ है। किसी का भी कोई सरप्राइज़ है तो उसको पहले से रिवील करने का कोई फ़ायदा नहीं है और ये गलत चीज़ है यार। आप ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने के चक्कर में किसी के सरप्राइज़ की ऐसी की तैसी कर देते हो तो यार ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है ना। कोई बंदा इतना पैसा खर्च करके एक सरप्राइज़ रख रहा है अपनी फैमिली, अपने व्यूवर्स, वो कुछ भी अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए जो भी, तो उसने मेहनत करके वो चीज़ मंगाई है तो उसका पहले हक है ना कि पहले वो दिखाए। मुझे पता चल चुका था कि भाई रजब बट कौन सी गाड़ी है, कितने की है, क्या है, मैं भी ये वीडियो पहले बना सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं। मुझे भी ज़्यादा व्यूज़ मिल सकते थे कि मैं बोला नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई देखें, जिससे पैसा खर्च करके वो चीज़ मंगवाई है वो पहले अपने सब्सक्राइबर्स को, अपनी फैमिली को दिखा दे, फिर मैं बनाऊँगा। भाई आपको पता है जब बट ने अपनी गाड़ी रिवील कर दी है तो अब सही टाइम है, अब बनाओ जितनी वीडियो बनानी है, तो अब इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो भाई रजब बट ने जो गाड़ी ली है वो सबको पता है, वो गाड़ी बेसिकली गाड़ी नहीं है, वो एक ट्रक है। ठीक है, ट्रक का नाम है फोर्ड रैप्टर। ठीक है, और ये इतनी पावरफुल गाड़ी है, ये मैं आपको बताऊं 5500 सीसी गाड़ी है, 5500 सीसी इंजन के साथ आता है फोर्ड रैप्टर। बहुत हाइट वाला ये ट्रक है और ये एक अमेरिकन कंपनी फोर्ड है वो बनाती है, और ये बहुत बेहतरीन एक डाला है, समझ लीजिए जो वीगो डाला है, इसके सामने कुछ भी नहीं है, जो फोर्ड रैप्टर है। रजब बट ने इसका नाम, रजब बट ने इसका नाम 9/11 रखा है। रजब बट ने नाम इसका इसलिए रखा है क्योंकि ये जो है रजब बट सो कॉल्ड जिसको अपना उस्ताद बोलते हैं सिद्धू मूसे वाला, उसका जो ट्रक है उसका नाम है 9/11/5911। तो रजब बट ने अपने ये गाड़ी उसी के नाम पे रख दी है, अपना ये जो ट्रक है ये उसी के नाम, उसका जो ट्रैक्टर के नाम पे 9/11 के नाम पे 5911 के नाम पे रख दिया है। तो भाई ये गाड़ी रजब बट कितने की पड़ी तो वो जो है आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले सुन लें 9/11 फोर्ड रैप्टर। मेरी नज़र में एक जहाज़ है भाई, प्राडो व्राडो कुछ नहीं है इसके सामने। ये आपको डेली यूजेज पे 1 लीटर पे 3 से 4 किलोमीटर एवरेज देता है, और ये एवरेज वाली गाड़ी कोई आम बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। और भाई दुनिया में हर बंदा ये सोचता है कि यार मैं भी चीज़ें खरीदूंगा, व्लॉग्स देख के, वीडियोस देख के, कि भाई मैं भी चीज़ें खरीदूंगा, लेकिन कुछ करता नहीं है। मेहनत का सिला दुनिया में ज़रूर मिलता है, लेकिन अगर आप सही वे में मेहनत कर रहे हो, ठीक है, रजब बट ने सही वे में मेहनत करी, उससे ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा तरक्की हासिल करी। क्यों? अल्लाह पाक हर बंदे को तरक्की ज़रूर देता है, मेहनत का सिला ज़रूर देता है। तो भाई हम लोग कुछ करते नहीं हैं, उसने कम अरसे में ज़्यादा मेहनत करी तो अल्लाह पाक ने उसको ज़्यादा तरक्की भी दी है। ठीक है, तरक्की ज़रूर मिलती है हर बंदे को, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को बाद में, लेकिन आप जब कुछ मेहनत करोगे ही नहीं तो आपको क्या तरक्की मिलेगी। ठीक है, आप तो आपने ये सोचा भाई कि मैं 40-50 हज़ार रुपये कमाता हूँ नौकरी से, मैं पूरी ज़िंदगी शायद गुजार लूँ, पूरी ज़िंदगी तो शायद आपकी गुजर जाए 40-50 हज़ार रुपये में शायद, लेकिन रो पीट के आपकी पूरी ज़िंदगी 40-50 हज़ार रुपये सैलरी में गुजर जाए, लेकिन आप अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकोगे। ये होती है YouTube पावर और YouTube अर्निंग, जिसको मैं आपको शुरू से कहता हूँ भाई मेहनत करो, YouTube पे काम स्टार्ट करो आप लोग, लेकिन अहमियत ही नहीं देते हो। रजब बट ने आपको पता है उसमें कितना पेट्रोल डलवाया? 92 लीटर, मीन्स 24,000 रुपये का उसने पेट्रोल डलवाया है कल, अगर आपने देखा हो उसका व्लॉग। तो भाई ये क्या है, ये है YouTube अर्निंग और पावर ऑफ YouTube। एक आम बंदा है ना वो, कोई उसके पास सुपर पावर्स तो है नहीं कि भाई वो अलग से कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है ना, मेहनत करके आपको व्लॉग दिखा रहा है, जो भी कर रहा है अर्निंग कर रहा है यूट्यूब से, जो मेरा मेन फोकस है आपको आज की वीडियो में बताने का। आप क्या कर रहे हो? आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो भाई आज कुछ कर लो
वरना बाद में अफसोस करने का फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मेरी बात पर गौर करो। तो भाई रजब बट, कॉन्ग्रेचुलेशन अलॉट, और आपको अगेन मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको जाना नसीब करे और मजीद तरक्की अल्लाह पाक आपको दे। तो भाई मेहनत करके जो बंदा अर्निंग करता है और फिर अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है तो सही है, इसमें क्या बुरा है जी। तो गाइस, इस वजह से आपने वीडियो खोली है, आपको बताना है कि रजब बट की ये गाड़ी रजब बट को कितने की पड़ी, तो मैं आपको बता देता हूँ। भाई रजब बट को ये गाड़ी पड़ी 2,70,00,000 की, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 2,70,00,000। लेकिन आपको ये बता दूं मैं, ये जो गाड़ी 911 फोर्ड रैप्टर रजब बट ने लिया है बकौल उनके, उन्होंने अपने दोस्तों के लिए लिया है। लेवल चेक कर रहे हो आप अर्निंग का और यूट्यूब की अर्निंग का, लेवल चेक करो आप। ये है अपनी मेहनत को सही जगह पर लगा के पैसे कमाना, ये होता है द राइट वे। और भाई रजब भट्ट अगर आज जॉब कर रहा होता तो वो इस लाइफ स्टाइल तक कभी भी नहीं पहुंच सकता था। ठीक है, उसने क्या करा, उसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया। वो भी सोचता मुझे कौन देखेगा यार, छोड़ो नहीं स्टार्ट करता, लेकिन उसने काम वर्किंग स्टार्ट करी यूट्यूब पर। अगर वो एक जॉब कर रहा होता तो मामूली सी उसके बाद एक छोटी सी गाड़ी होती, ये कभी सोच सकता था? ये लाइफस्टाइल, जिस लाइफस्टाइल से वो लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब घूमते हैं, तो भाई वो लाइफस्टाइल तक पहुंच सकता था? नहीं पहुंच सकता था। तो उसने क्या करा, स्टेप लिया अपने लिए और वर्किंग स्टार्ट करी यूट्यूब पे। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ काम स्टार्ट किया और यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करता रहा। सबसे बड़ी बात, रजब भट्ट ने कंसिस्टेंसी ऐसी रखी हुई है बंदे ने कि व्लॉग जो है उसका एक ही टाइम पे अपलोड होता है। ऐसा नहीं है कोई व्लॉग किसी दिन अपलोड हो गया, कोई किसी टाइम पे, नहीं, एक ही टाइम पे उसका व्लॉग अपलोड होता है। दैट्स कॉल्ड कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी के साथ जब यूट्यूब पे काम करोगे तो यूट्यूब आपको रिवॉर्ड देगा, आपकी मेहनत का सिला आपको मिलेगा, जो उसको रजब भट्ट को अपनी चीज़ों पे खरीदते हुए मिल रहा है। तो भाई रजब भट्ट अगर काम स्टार्ट नहीं करता यूट्यूब पे, अगर कोई जॉब अप कर रहा होता तो आज इस मुकाम के करीब भी नहीं होता। लेकिन रजब भट्ट ने स्टेप लिया अपने लिए, काम स्टार्ट किया, यूट्यूब पर अर्निंग स्टार्ट करी, यूट्यूब पर काम स्टार्ट किया तो उसकी अर्निंग स्टार्ट हुई, कमाना शुरू करा उसने, तो आज लाइफस्टाइल अच्छा गुजार रहा है वो। रजब भट्ट के अंदर मैंने कोई ऐसी आदतें देखी हैं जो बाकी डिफरेंट फेमस व्लॉगर्स, फेमस यूट्यूबर्स के हट के हैं, जो मुझे काफ़ी इंप्रेस करती हैं और फैंस को भी काफ़ी इंप्रेस करती हैं। तो भाई इतनी जल्दी इतने कम टाइम में किसी को जो है ना फेम इतना नहीं मिल जाता, लेकिन मिला है तो कोई ना कोई ऐसी आदतें तो है ना, तो उसके बारे में किसी और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है वो सिर्फ 911 के हवाले से है और आपको मोटिवेट करने के हवाले से। कब तक दूसरों की तरक्की देखते रहोगे सिर्फ, इससे कभी सबक हासिल करोगे? कब काम स्टार्ट करोगे, कब मेहनत स्टार्ट करोगे, कब यूट्यूब चैनल बनाओगे, कब यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट करोगे, तुम कब पहुंचोगे इस लेवल तक? पहुंचोगे एक दिन, इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचोगे, तुम भी इस लेवल पे होगे एक दिन। तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम वो चीज़ खरीदोगे, वो चीज़ खाओगे, वो चीज़ पहनोगे और वो लाइफ स्टाइल अपनाओगे जो तुम्हारा ड्रीम है। ड्रीम पूरा करने के लिए तुम्हें अपनी रातों की नींद हराम करनी पड़ेगी, तुम्हें मेहनत स्टार्ट करनी पड़ेगी। यूट्यूब पर काम स्टार्ट करो और इस लेवल तक पहुंचोगे इंशाल्लाह एक दिन तुम भी। रजब भट्ट कोई अलग से सुपर पावर्स तो है नहीं उसके पास, या कोई ऐसी खास चीज़ तो है नहीं, नॉर्मल से एक आम बंदा ही था ना। क्या काम स्टार्ट किया उसने, यूट्यूब पर काम स्टार्ट किया, कंसिस्टेंट रहा, कंसिस्टेंसी के साथ उसने काम किया, तो आज देख लो उसको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। कंसिस्टेंसी बेस्ट थिंग है। बाकी फैमिली व्लॉगिंग से इख्तलाफ अलग जगह है, लेकिन अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है, उसकी अचीवमेंट हो रही है, तो उसमें लाजमी खुश होना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि भाई एक आम सा बंदा जब यहाँ तक पहुँच सकता है तो हम और तुम क्यों नहीं पहुँच सकते? हम भी पहुँचेंगे इंशाल्लाह एक दिन। बट किसी की मेहनत और अचीवमेंट से लाजमी खुश होना चाहिए, और ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट करेगी कि तुम भी काम यूट्यूब पर स्टार्ट करोगे इंशाल्लाह, और एक दिन तुम भी इससे ऊपर लेवल पर जाओगे। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें काम स्टार्ट करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें व्यूज़ नहीं देखने का, अपना गोल बना लो, मुझे एक गोल अचीव करना है, तुम इंशाल्लाह ज़रूर करोगे। क्योंकि अल्लाह पाक मेहनत करने वालों को उसका सिला दुनिया में ज़रूर देता है। ये बात लिख लो, व्यूज़ देखना छोड़ दो, यूट्यूब पर काम स्टार्ट कर दो, यही टाइम है सही, इसके बाद और कोई टाइम नहीं आएगा। क्यों, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम भी अच्छी गाड़ी लो, अच्छा घर लो, अच्छा लाइफस्टाइल रखो अपना, लोग तुम्हारी इज्जत करें, अच्छा खाओ पियो? तुम्हारा दिल नहीं चाहता अपने घर की हालत अच्छा करने का? चाहता है ना, तो भाई हर बंदे का चाहता है। तो करो मेहनत स्टार्ट करो। कब करोगे मेहनत स्टार्ट, कौन सा टाइम आएगा, किस चीज़ ने तुम्हें रोका हुआ है, मुझे ये बताओ, क्या कमी है तुम में? कोई नहीं ना, तो फिर क्यों नहीं काम स्टार्ट कर रहे? आज से काम स्टार्ट करो, कल नहीं आती कभी भी, आज ही तुम्हें काम स्टार्ट करना है। तुम्हें सोच लिया है, आज की वीडियो देख लो और तुम यहाँ तक पहुँचोगे इंशाल्लाह एक दिन। अहद करते हैं, चलो आ जाओ, वादा करते हैं कि भाई हम और तुम इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर इस लेवल तक और यहाँ तक पहुँचेंगे और ये अचीव करेंगे, ये सब चीज़ें जो आज रजब भट्ट अचीव करा हुआ। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो दिन भी आएगा।
तो भाई जो थंबनेल था गाड़ी की प्राइस वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन गाड़ी की प्राइस से ज्यादा फोकस करना मेरी बातों पे, वो तुम्हारे बहुत काम आएगी आगे चल के। जो मैंने तुम्हें बातें आज बताई हैं, तुम खुद सोचो अपने बारे में कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें अर्निंग करनी है, या सिर्फ तुम्हें एक मामूली सी नौकरी करनी है? तो मामूली सी नौकरी करनी है तो करते रहो, और अगर आज की वीडियो देखने के बाद भी तुम्हारे कुछ समझ ना आए तो फिर जो है ना अपने ऊपर अफसोस करना। और ये सब चीज़ें देखने के बाद और सारी चीज़ें मोटिवेट करने के बाद भी तुम्हें कुछ ना समझ आ रहा हो तो अब ये तुम्हारी नाअहली है कि तुम काम स्टार्ट नहीं करते। तुम्हें अगर स्टार्ट करना चाहो, काम स्टार्ट करोगे तो तुम ज़रूर काम करोगे और ज़रूर कमाओगे। आज की वीडियो देख के भी तुम्हारे अगर कुछ ना समझ आए और तुम्हें यही दूसरों की सिर्फ तरक्की देखनी है, कुछ फ़ायदा नहीं उठाना, किसी से कुछ नहीं समझना, कुछ सबक नहीं हासिल करना, तो तुम्हारी मर्जी है। मैंने तुम्हें हर तरीके से गाइड करने की कोशिश करी, अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम काम स्टार्ट करते हो, यूट्यूब पे अर्निंग स्टार्ट करते हो, यूट्यूब से कमाना स्टार्ट करते हो, तो ये सिर्फ तुम्हारी मर्जी है। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर दी तुम्हें मोटिवेट करने की। और ये दूसरों के मेरी बात अगर समझ नहीं आ रही, मेरी बातों से अगर मोटिवेट नहीं हो रहे हो, तो रजब बट या जिसको तुम लाइक करते हो, जिनको तुम फॉलो करते हो, उनको व्लॉग्स देख के कुछ सबक हासिल कर लो, उन्हीं से कुछ सबक हासिल कर लो कि यार वो जब कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हो सकता है मेरी बात तुम्हारी समझ ना आ रही हो, लेकिन जिनको तुम फॉलो करते हो, जिनको तुम लाइक करते हो, उनकी बात तो तुम्हारी समझ आएगी ना। उनको देख के तो तुम्हें कुछ समझ आएगा कि वो अर्निंग कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम क्यों खाली हाथ बैठे हो, तुम भी कमाओ। एक बात याद रखना, अब एक बात मुझे बताना, अपने आप को फेमस करना है या दूसरों के फेम से सिर्फ फायदा उठाना है? वो तो फेमस है, वो तो है, उसके तो व्यूज आएंगे, वो कुछ भी डाले उसके व्यूज आएंगे। तुम कब फेमस हो रहे हो, तुम कब हासिल करोगे फेम, जो तरक्की उसने हासिल की है, तुम कब ये तरक्की हासिल करोगे, तुम कब पहुंचोगे यहाँ तक? तुम नहीं पहुंचोगे। तुम्हें खाली दूसरों के साथ वीडियो बनाने में, जो फेमस है, एक वीडियो तुम्हारी वायरल हो जाएगी, दो वीडियो वायरल हो जाएंगी, मैं कहता हूँ तुम्हारी 10 वीडियो वायरल हो जाएंगी। जब तक होंगी, जब वो तुम्हारे साथ वीडियो में होगा, या तुम उसे घर के बाहर खड़े होगे, उसकी गाड़ी को व्लॉग में ले लोगे, उसकी गाड़ी का व्लॉग बना लोगे, जब तुम फेमस रहोगे, वो भी तुम्हारा, तुम हम फेमस नहीं हो, उसकी चीजें फेमस है, वो फेमस है, तुम नहीं हो कुछ भी। ठीक है, मेरी बात याद रखो, गौर करो मेरी बात पे, मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम फेमस नहीं हो, तुम खाली उसके फेम से फायदा उठा रहे हो, वो वीडियो में आएगा तो तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाएगी, तो तुम्हारा क्या फायदा है? तुम कैसे अर्निंग करोगे? हर रोज तो तुम्हें व्लॉग में नहीं लेगा ना वो, हर रोज तो तुम उसके साथ वीडियो नहीं बना सकोगे ना, तो तुम्हारे पास अर्निंग तो होगी भी नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी का रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करनी है। जब तुम ये सोचोगे, इस बात पे गौर करोगे कि मुझे क्या करना है, अपने आप को फेमस करना है या खाली दूसरों के फेम से फायदा उठाना है, तो तुम्हारे दिमाग में खुद सारी चीजें, तुम्हारे दिमाग की बत्तियां रोशन हो जाएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। अब तुम्हारे हाथ में है तुम्हारा मुस्तकबिल, तुम्हारा हाल, माजी को छोड़ दो जो हो गया, मुस्तकबिल और हाल तुम्हारे हाथ में, तुम ही बेहतर कर सकते हो। बाकी तरक्की अल्लाह पाक जरूर देता है मेहनत करने वालों को, बस मेहनत स्टार्ट कर दो। तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम गाइड हो जाओ, तुम मोटिवेट हो जाओ और तुम काम स्टार्ट कर दो, बाकी करना या ना करना तुम्हारी मर्जी है। मेरे ऊपर, मुझे अपने ऊपर यकीन है और मुझे अल्लाह पे भरोसा है कि मैं ज़रूर तरक्की करूंगा और उस लेवल तक इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर पहुंचूंगा इंशाल्लाह। अभी जिसमें हूँ, जिस लेवल पे हूँ, 20,000 21,000 सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत है, मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं भी एक आम बंदा हूँ, कोई मैं वो नहीं हूँ, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने तो कंसिस्टेंसी के साथ काम किया है। तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम करते हो तो तुम भी पहुँच जाओगे उस लेवल तक, मैं तो इंशाल्लाह पहुँचूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है अपने ऊपर, अपने अल्लाह पे कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें, कमेंट अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो में जो थंबनेल था, जो टाइटल था, उसके हवाले से बनाई, प्राइस आपको गाड़ी की बता दी कि कितनी है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। बाकी प्राइस से ज़्यादा वो तो उसके लिए मसला नहीं है, वो तो कमा लेगा। तुम्हें प्राइस से ज़्यादा तुम्हें फोकस होना चाहिए अपने मुस्तकबिल पे, और तुम कैसे ये जो पैसे हैं, 2 करोड़ 70 लाख, 3 करोड़ 10 करोड़, तुम कैसे कमा सकते हो। बेहतर, हर बंदा अपने लिए बेहतर ही सोचता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।